नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध गोयता आपका अपने YouTube चैनल किसान डेयरी फार्मिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की विजिट हमारी दोबारा से बिट्टू दुहन सर के डेयरी फार्म पर है, जिनका गांव का एड्रेस गांव अनूपगढ़ और डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा के अंदर ये गांव आता है। तो इनका जो जाना माना जो होटल है वो लक्ष्यदीप होटल, और एक और जो नया होटल जो बिट्टू सर ने किया है बिट्टू द ढाबा के नाम से, जो काफ़ी प्रसिद्ध होटल है, तो वो भी इन्होंने अभी अभी जो स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, एक से एक काफ़ी भारी मात्रा में जो इन्होंने गिर नस्ल का ये गोधन है वो अपने डेयरी फार्म पर इनका जो पालन पोषण करते हुए, और सारी की सारी जो दुधारू नस्ल की हैं खुद गुजरात जाकर इनका इनको सिलेक्ट करके लेके आए हैं। आइए मिलाते हैं बिट्टू सर से और जानते हैं इन मूरा नस्ल के पशुधन के बारे में, क्या कुछ इनकी खासियत है, क्या कुछ इनकी डिटेल है। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आपका जो शुभ नाम है वो जो हमारे दर्शक हैं उनको बताएं। मेरा नाम बिट्टू है, गांव अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट जींद है। हाँ जी हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो एक नंबर पर जो ये मूरा का पशुधन है, अडर क्वालिटी है, जो बहुत कम पशुओं के अंदर इतनी भारी भरकम अडर क्वालिटी देखने को मिलती है, तो इसके बारे में बताएं क्या कुछ इसकी डिटेल है, इसने कौन सी टाइम बच्चे को जन्म दिया है। सर तीसरे टाइम इसको बच्चे ने जन्म दिया है। तो थर्ड लैक्टेशन में देख सकते हैं अडर क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार, काफ़ी भारी भरकम अडर क्वालिटी है। खोल के भी आप लोगों को दिखाई जाएगी, लेकिन खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जितना अडर पीछे की तरफ है उतना ही अडर आगे की तरफ आपको इस पशुधन का देखने को मिलेगा। तो दूध की क्या कुछ खासियत रही है इस पशुधन की वो भी हम सच जानना चाहेंगे। तो कितने दिन की बताई सर आपने? अभी एक महीना पाँच दिन की। तो एक महीना पाँच दिन की ब्याई हो चुकी है। नीचे क्या है इसके? मेल काफ है। नीचे मेल काफ है इसके, ठीक है। तो एक महीना पाँच दिन जो डिलीवरी टाइम सर ने बताया है, नीचे मेल काफ है, दूध कितना तैयार है सर वो बता दें। 18 प्लस दूध है, 20 था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, 20 प्लस इस पशुधन का जो दूध तैयार सर बता रहे थे, और अभी मौके पर है वो 18 प्लस दूध जो इसका बताया है इन्होंने। तो अगर कोई सीरियस बायर्स है इनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको दे दूँगा, तो अधिक जानकारी है वो आप इन पशुधन के बारे में तो बिट्टू सर से ले सकते हैं। उससे पहले मैं इस पशुधन को जो नज़दीकी से है वो आप लोगों को दिखा दूं। ये देख सकते हैं लंबाई है, लंबाई की तरफ गौर कीजिए, तो काफ़ी शानदार जो इसकी लंबाई है। बात करें सींगों की बनावट है, सींग भी काफ़ी अच्छे, जो प्योर मूरा के अंदर ये मूरा का पशुधन प्योर, जो इसकी चमड़ी है वो पूरी की पूरी जो काली है। और बात करें पीछे की चुड़ाई, तो किसी प्रकार का सेवा और किसी प्रकार की कोई लेद इस पशुधन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बात करें अडर क्वालिटी तो वो काफ़ी शानदार। एक बार हिला दें सर उस साइड दिखाएं, ये देख सकते हैं काफ़ी भारी भरकम अडर क्वालिटी है। एक बार खोल के दिखा दे भाई जी। उस वीडियो के माध्यम से हमारी यही कोशिश रहती है कि साफ सुथरा पशुधन आपको दिखाया जाए। ये देख सकते हैं अडर क्वालिटी काफ़ी शानदार। ले आए सर वापस, वापस ले आए। तो चेहरा मोरा काफ़ी शानदार, थनों की जो बनावट है, थनों का जो गैप है बिल्कुल मुट्ठी के थन, और अडर के अंदर ये उभरी हुई नसें साफ साफ जो बताती हुई कि काफ़ी जो दुधारू नस्ल का ये पशुधन है जो बिट्टू सर अपने डेयरी फार्म पर लेके आए हैं। तो और जो पशुधन है उनके बारे में भी हम सर से जानना चाहेंगे, तो सर इसके बारे में बताएं दो नंबर के बारे में। ये दो दांत कटड़ी है अपने घर की पड़ी हुई है। तो घर की है? हाँ जी। तो मुंह से दो दांत है? हाँ जी, मुंह से दो दांत है। हाँ जी हाँ जी। अभी जाने का एक महीना इसका बाकी है। तो एक महीना जो डिलीवरी टाइम का है उसको रहते हैं, तो ये देख सकते हैं तो अडर क्वालिटी है काफ़ी अच्छा अडर ये मूरा का पशुधन, जो आने वाले टाइम में एक महीना जो इसका डिलीवरी का टाइम है उस टाइम लग काफ़ी शानदार जो ऑर्डर ये बनाएगा। बात करें सींगों की बनावट, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, दो दांत जो सर ने बताया है कि अभी इसने किए हैं, और पेट पुठा है वो काफ़ी शानदार है। तो इनका रेट है वो मैं आप लोगों को बाद में ज़रूर बता दूंगा। उससे पहले एक और काफ़ी जो लंबाई ऊंचाई का पशुधन है उसको भी मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा, तो सर इसके बारे में बताएँ। ये भी थर्ड लैक्टेशन में है। थर्ड लैक्टेशन में है, इसके नीचे भी मेल काफ है। कितने दिन का हो चुका है ये? 20 दिन की हुई है। तो ये लगभग 20 दिन की ब्याई हो चुकी है। ये देख सकते हैं 20 दिन की ब्याई है, 16 लीटर सर का कहना है कि इसके नीचे दूध तैयार है। तो
बात करें जो पूरे शरीर के अंदर ये जो उभरी हुई नसें हैं वो आप साफ साफ देख सकते हैं। थोड़ा हा जो थन है वो हल्का हा जो लंबा ज़रूर ये पशुधन का है, और जो मिल्क वैन है वो काफ़ी शानदार हैं। किसी प्रकार की कोई और इस पशुधन के अंदर आपको कोई नोकझोंक देखने को नहीं मिलेगी। तो सर एक बार इसको खोल के दिखा दे, अर्डर क्वालिटी है इसकी भी काफ़ी शानदार, जो भारी वर्कम है वो अर्डर इस पशुधन का है। तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देख सकते हैं। थोड़ी आराम से ले लें सर, ले आए वापिस ले आए। तो लंबाई ऊँचाई है वो पशुधन की काफ़ी शानदार। तो अर्डर की तरफ एक बार ज़रूर गौर करें, तो काफ़ी भारी बरकम जो अर्डर क्वालिटी पशुधन की। और तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा चुवाई है वो कैसी है? वो खुली चुवाई है दोनों भैंसों की। हाँ दोनों भैंसों की, तो बिल्कुल नरम चुवाई है। इस भैंस का प्राइस भी बहुत ही जायज़ है दूध के हिसाब से और टाइम के हिसाब से देखा जाए तो। बिल्कुल। तो मैं सर आपसे इसी पशुधन से जो शुरुआत करता हूँ, इसका जो प्राइस है वो बताएं। इसका प्राइस 95,000 रुपये है। तो 95,000 रुपये में 16 लीटर दूध इस पशुधन का तैयार है। सींगों की बनावट है, चेहरा मोरा है, तो पेट पुठे की जहाँ बात की जाए, लंबाई ऊंचाई की जहाँ बात की जाए, तो सारी की सारी चीज़ें जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, बात करें अर्डर क्वालिटी है वो देख सकते हैं। मूत्र मार्ग से लेके और बिल्कुल आगे की तरफ तक, और किसी प्रकार की कोई नोक चोक, तो थनों में सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना? ना बिल्कुल भी कोई दिक्कत। ठीक है, तो कोई भी बार लेना चाहे अपना 3 टाइम 4 टाइम मिल्किंग कर सकता है। तो बिल्कुल ईमानदारी से सर ने बता दिया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सीरियस बायर से इस पशुधन को ख़रीदना चाहता है, इनके डेयरी फार्म पर आकर जो रुकने की भी व्यवस्था है, तो 3 से 4 टाइम आराम से मिल्किंग करे, उसके बावजूद ही वो इस पशुधन को लें। तो 18 लीटर प्लस मिल गए। हाँ जी हाँ जी। तो इसका क्या कुछ रेट है? 1,40,000 रुपये। तो 1,40,000 अर्डर क्वालिटी है काफ़ी शानदार। तो जो ये 3 नंबर पे है सर, तो 90,000। तो इसका 90,000 में।